विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नीट केस की जांच रिपोर्ट सौंपी। केंद्र ने कहा धांधली बड़ी नहीं। एनटीए बोला पेपर लीक के वीडियो फेक। सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस संजय कुमार हटे, निजी कारणों का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब 15 जुलाई को करेगी सुनवाई। ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी कर दो गवाहों को बुलाया। 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। महिला पहलवानों के शोषण का है आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खाली किया सरकारी बंगला। लोकसभा चुनाव में मिली थी करारी हार। सेम सेक्स मैरिज की सुनवाई से हटे जस्टिस संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। 52 रिव्यू पिटीशन पर नई बेंच करेगी फैसला। हरियाणा में इनेलो बसपा का गठजोड़। 37 विधानसभा सीट बसपा और 53 इनेलो के हिस्से। अभय चौटाला होंगे सीएम का चेहरा। दिल्ली में मुनक नहर पर बना डैम टूटा। राजधानी के कई हिस्से हुए जलमग्न। सौरभ भारद्वाज ने आईटीओ ड्रेन का किया मुआयना। मोदी सरकार ने मानी नायडू की मांग। आंध्र प्रदेश के लिए दी 60,000 करोड़ की योजना को मंजूरी। बिहार में एक और पुल स्वाहा। सुहरसा के नेशनल हाईवे 17 पर बना पुल ध्वस्त। तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना। बोले 3 हफ्तों में अब तक केवल और केवल बस 16 ही पुल गिरे हैं। दूर संचार क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा भारत। पीएलआई योजना से 3 वर्षों में 3400 करोड़ का निवेश। 50,000 करोड़ के पार पहुंची इस क्षेत्र में देश के उपकरणों की बिक्री। राधिका अनंत की शादी में शामिल होंगी कार्दशियन सिस्टर्स। शुक्रवार को अनंत और राधिका लेंगे फेरे।